हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे वीडियो किसके बारे में होने वाला है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा जो जो मेरे पास हैं। तो आपको सब डिटेल्स बताता हूं। पहली बात तो ये अल्फा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म में बनी है, ठीक है। इसका जो रियर फ्लोर रहेगा वो आपको फ्लैट मिलेगा, एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। 90 डिग्रीज ओपनिंग डोर्स मिलेंगे, अल्फा आर्किटेक्चर में बना है, तो अल्ट्रोज में भी सेम मिलता था आपको। आयरा कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी इसमें, ठीक है। 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 366 लीटर्स का बूट स्पेस, जो काफ़ी लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, बट 366 लीटर्स का ही मिलेगा। एंड 1.2 NA पेट्रोल आपको जो अल्ट्रोज में मिलता है, सेम वही इंजन देखने को मिलेगा आपको, मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक के साथ। ऑटोमेटिक में आपको एक फीचर ही मिलेगा, ट्रैक्शन प्रो मोड। जैसे कि आप कीचड़ वगैरह में फंस जाते हैं, जहाँ ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ आपको गाइड करेगी और ट्रैक्शन प्रो मोड आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एंड इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिलेगा, सिटी प्लस इकोनॉमी। सेफ्टी में दो एयर बैग आपको मिल जाएंगे, एंड SUV है टाटा की, तो काफ़ी मजबूत होने वाली, अल्फा आर्किटेक्चर में बनी, तो 4 to 5 स्टार तो आपको आराम से देखने को मिलेगा इसमें भी, काफ़ी सेफ होने वाली है। एंड इसमें आपको जो फॉग लैंप्स मिलेंगे विद कॉर्नरिंग फंक्शन मिलेंगे, एंड इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप वगैरह तो मैंने बताई थी, जो जो मेन फीचर से बता दिया है। एंड ऑन रोड प्राइस जो इसका होने वाला है वो 6 to 10 lakhs के बीच में ही आपको मिलेगी, ऑन रोड बता रहा हूँ, मतलब एक शोरूम 5 to 9 lakhs के बीच में, AMT इंक्लूड करके बता रहा हूँ मैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने सब इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा फास्ट था बट ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।